come on, fast. Come on. Ouch! बहुत पेन हो रहा है. कौन? कोयल, प्लीज सर, मैं हल्दी लगा देती हूँ. मिस मुल्तानी, मैं सोच रही थी कि पहले वुंड क्लीन कर लेती हूँ. या एक्चुअली यू आर राइट, पहले वुंड क्लीन करना चाहिए. मैं फर्स्ट एड लेके आती हूँ. कोयल, प्लीज सिट. मिस मुल्तानी, ऑन सेकंड थॉट्स मैं सोच रही थी कि ब्लड फ्लो मैं रोक लूंगी, बाकी क्लीनिंग एंड हल्दी डीजे लगा देगा. वो पूरा मान जाएगा अगर उसे पता चला कि उसके अलावा कोई और. यू नो व्हाट आई मीन? आई होप यू अंडरस्टैंड. या आई अंडरस्टैंड. इट्स ओके, यू टेक केयर. थैंक यू सो मच एंड आई एम सो सॉरी मैंने आपको इतनी तकलीफ दी. प्लीज कैरी ऑन विद योर प्रेजेंटेशन. या I'll take this haldi. मैम, योर माचा टी. थैंक यू रोज. मैम, कोयल यहाँ किस लिए आई थी? नथिंग, वो कुछ फाइल्स देने आई थी और उसे चोट लग गई. चोट? जस्ट डू वन थिंग ना, ये प्रेजेंटेशन का प्रिंट आउट ले लो. श्योर, वन मिनट. क्या हुआ कोयल? एनी लक? अगर कोयल किसी काम को करने की ठान ले और वो काम ना कर सके, ऐसा तो आज तक नहीं हुआ बेबी. मिस युक्ति मुल्तानी की प्रेजेंटेशन. अब मेरे बेबी की चेक कर. Thank you so much, Koyal. Anything for my baby. This is perfect. अपनी प्रेजेंटेशन को मिस्टर बेग के सामने चलते हुए देखकर युक्ति को समझ नहीं आएगा क्या करे. या तो वो सबके सामने नाकामयाब प्रूव हो जाएगी, या फिर मजबूरन बेचारी को सेम प्रेजेंटेशन दिखानी पड़ेगी. कॉपीकैट. दैट्स माय बेबी. सिक्योरिटी. Yes, ma'am. निखिल, वो तुम्हारे सीनियर आज ड्यूटी पे आए हैं? नहीं मैम, वो तो होली के बाद से ही नहीं आए हैं. अब उन्होंने कहा उनकी तबीयत खराब है शायद. अच्छा ठीक है, तुम जाओ. ठीक. मिराया, मैं पहली
और आखिरी बार तुम्हें प्यार से कह रही हूं कि फिनिश दिस रिलेशनशिप. और तुम जानती हो तुम्हारी मॉम को, कार्गी महाजन को, कि वो क्या कर सकती है. ये क्या है, इतनी गंदी स्मेल क्यों आ रही है इसमें से? What is it? Cow shit, you! अरे गार्गी जी, cow shit मतलब गोबर नहीं, ही ना एकदम नैसर्गिक उपलब्धि है. वो क्या कहती हैं आप, हम लाए हैं ऑर्गेनिक. देखिए मुझे ऐसे भद्दा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है. अरे मजाक नहीं है, हम बता रहे हैं ना, ये जो है ना उपटन है, ये लगाएंगी ना तो आप अपनी बेटी की बहन लगेंगी, वो भी छोटी वाली. हाँ देखिए हम बताते हैं कैसे. प्लीज स्टॉप इट, मुझे ना इस वक्त मेरे बेटे के ऑफिस जाना है, ये एज अ इम्पोर्टेंट मीटिंग, तो प्लीज एक्सक्यूज मी. और ये गंदी चीज यहाँ से हटाइए. अरे छोड़िए गार्गी जी, मीटिंग सीटिंग वहाँ जाके क्या करेंगे आप? हाँ वहाँ हमारी बेटी सब संभाल रही है, कोयलिया सब संभाल रही है. हाँ अब वैसे भी होने वाले हस्बैंड और वाइफ उनके बीच में जाके आप काहे कबाब में हड्डी बनना चाहती हैं? हाँ सृष्टि जी, व्हाट माय सन नीड्स एंड हुम ही नीड्स आई नोट. क्या बोली फिर से जरा बोली, हम देखते हैं हिंदी में क्या बोली आप बताइए. अरे भड़क गई का. हाँ सृष्टि मैम, मैं पहुंच गया हूँ, बाकी आपको भी अपडेट करता हूँ सब कुछ. देख के नहीं चल सकते हो क्या? क्या ये तुम्हारा गुरूर है या फिर तुम्हारी अदा है कि नीचे देख के चलते नहीं हो, बस सामने देख के चलते हो? अब सर लेके आओ. हाँ क्या? अपना सर मेरे पास लेके आओ. क्यों? ओह गॉड नील प्लीज, अब ये मत बोलना कि तुमने सुना नहीं है. सर एक बार नहीं दो बार टकराना पड़ता है वरना सींग आ जाती है. सुना नहीं है क्या बचपन में? आओ. ओके फाइन, आई नो इस बात में कोई लॉजिक नहीं है, बट क्योंकि बुजुर्गों ने हमेशा कहा है तो मानने में क्या प्रॉब्लम है. एनीवेज तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ सृष्टि जी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. ओके गुड फॉर यू. जब भी इसे देखता हूँ हमेशा हमेशा यूवी की याद क्यों आती है? बेबी इतने टेंस क्यों लग रहे हो? नथिंग. अब तो हमारे पास मिस युक्ति मुल्तानी की प्रेजेंटेशन भी है एंड आई एम श्योर उसे तो अभी तक पता भी नहीं चला होगा. और अगर पता चल भी गया करी क्या लेगी वो? तुम्हें इस चैलेंज को जीतने से कोई नहीं रोक सकता बेबी.
Actually, I'm so sorry for your loss, Miss Yukti Multani. I love you. I love you too. Chalein. Chalo. Chalo. Yo, Nikhil. क्यों तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो? क्या किया है मैंने? कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम निकल? कहीं? मेरा फोन कहाँ है? निकल. तुम्हारा फोन बाहर गिरा हुआ था. हाँ वो मैं बाहर गई थी तो वहां गिर गया होगा. मिराया तुम्हें कुछ परेशान कर रहा है? नौकर हो ना तुम इस घर के तो नौकर की तरह रहो और मेरी लाइफ में तो बिल्कुल इंटरफेयर मत करो. जाओ प्लीज यहां से और फोन देने के लिए थैंक्स. Well, क्या आप दोनों अपनी प्रेजेंटेशंस के साथ तैयार हैं? Yes, दादा बापू. Shall I go first? Sure. As you can see in the screens, हम लोग दो मेजर पोज बनाएंगे. दोनों मेजर पोज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे कार्गो फ्लो और कार्गो मैनेजमेंट के लिए. उसके साथ साथ इन द नेक्स्ट स्लाइड एज यू कैन सी हम पूरा मैरिटाइम स्ट्रक्चर चेंज करेंगे जिससे पूरा ग्लोबल ट्रेंड चेंज हो जाएगा. दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. ये प्रोजेक्ट सिर्फ हम महाजन्स के लिए सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट नहीं है बल्कि हमारी कंट्री के लिए भी एक बहुत मेजर प्रोजेक्ट होगा क्योंकि ये दो मेजर पोज हमारी कंट्री को टॉप ग्लोबल प्लेयर्स में से एक बना देंगे. इसके साथ साथ दिस अट्रैक्ट्स ग्रेट प्राइवेट इन्वेस्टर्स जो आई गेस स्पोर्ट के अनाउंसमेंट के बाद हमारे लिए टफ टास्क नहीं होगा. इस स्पोर्ट को रन करने के लिए साथ ही साथ ऑब्वियसली वी नीड एफिशिएंट एंड प्रॉपर मैनेजमेंट. हमें हर स्टेप पे हर डिसीजन में एनवायरमेंटल नॉर्म्स को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी देनी पड़ेगी. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. And that's all. Thank you. Very good, DJ Sahab. Kafi mehnat kiya aapne is project par. Thank you so much, Mr. Baig. Dada Babu, board members, Mr. Baig. Jaise ki aap sab jante hain ki मिस मुल्तानी हमारी इस प्रोजेक्ट में इक्वल पार्टनर है. हम दोनों ने डिसाइड किया था कि हम दोनों अपनी अपनी प्रेजेंटेशन बना के आप सबके सामने प्रेजेंट करेंगे. हम दोनों के एक्सपीरियंसेस बहुत अलग हैं, हमारी एक्सपर्टीज डिफरेंट है. तो बस ये एक और मौका था मिस्टर बेग को ये प्रूव करने का ये प्रोजेक्ट बिल्कुल परफेक्ट हैंड्स में. सो आई वुड लाइक मिस मुल्तानी टू टेक द फ्लोर. Go ahead, Miss Multani. Okay. So, मैं हमारे port development project को एक international green port development model के context में देख रही हूँ. Thank you.
यस, मुझे लग ही रहा था मैम कुछ तो गड़बड़ है. मैम, कोयल यहाँ पे आपका प्रेजेंटेशन कॉपी करने आई थी. व्हाट? सी दिस, उसने कुछ फाइल्स ट्रांसफर कर ली है. नकली ब्लड था. मैम, हमारा प्रेजेंटेशन अब उनके पास है, क्या करेंगे अब? आप हंस रही है, आपको टेंशन नहीं हो रही मैम? कम ऑन रोज, डीजे और उसकी टोली अगर ऐसी घटिया हरकत नहीं करते ना, तब मुझे टेंशन होती. ऑनेस्टली मैं उनसे ये सब तो एक्सपेक्ट कर ही रही थी. और मुझे टेंशन इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि कल जब वो मेरा प्रेजेंटेशन अपना कहकर मिस्टर बेग को प्रेजेंट करेंगे ना, तब मैं उनकी घटिया चाल को अपने बेनिफिट के लिए यूज करूंगी. सो बेसिकली सस्टेनेबल पोर्ट डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल सर्विसेज काफी इंटरनेशनल जगहों पे यूज की जा रही है, यू नो, लॉस एंजलिस से लेकर रोटरडैम तक, यानी कि अमेरिका से लेकर यूरोप तक ऐसी सस्टेनेबल शिपमेंट सर्विसेज यूज की जा रही है. ग्लोबल क्लाइमेट चेंज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता एंड आई थिंक दिस इज अ चैलेंज दैट वी ऑल शुड एक्सेप्ट. आई नो गाइस कि कॉस्ट बढ़ जाएंगे, लेकिन आई थिंक कि इमीडिएट प्रॉफिट को नजरअंदाज करते हुए वी शुड बी फोकसिंग ऑन लॉन्ग टर्म एनवायरमेंट सेफ्टी एंड तभी हमारी कंपनी एक सोशली रिस्पॉन्सिबल कंपनी कहलाएगी. And this specific subvision will be focusing on developing Indian maritime sector with emphasis on expansion of port infrastructure, sustainable growth, skilled workers, advanced technology, enhanced connectivity. So these will be the key factors that we will be focusing on. Now you can see the presentation. And that is it. Thank you. इसके बारे में मुझे थोड़ा और बताएंगे? ये सही मौके की तलाश में थे हम. युक्ति मुल्तानी वहां मीटिंग में और हम यहाँ. ये सब तो हम खुद से पता कर लेंगे, बस एक करू चिड़िया ना हमारे हाथ में आ जाए. नहीं चालती है, जैसी ताई से पेट नहीं छिपता वैसे ही हमसे कोई राज छिपे नहीं सकता है.
ये क्या जासूसी कर रही है यहाँ? हे भगवान, अगर इसके हाथ कुछ लग गया तो मेरी बेटी युविका की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। क्या करूं मैं? देख साहब, हम आपका फैसला जानना चाहेंगे। आप इन दोनों की प्रेजेंटेशन में से किस प्रेजेंटेशन के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे? दोनों प्रेजेंटेशन में से दूसरा प्रेजेंटेशन हमें बहुत पसंद आया। मिस युक्ति की प्रेजेंटेशन को फाइनल करते हैं। जब दो पार्टनर सेल्फलेस होकर किसी प्रोजेक्ट को लीड करें तो फिर ऐसे प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल होने से भला कौन रोक सकता है डीजे साहब। कांग्रेचुलेशंस आपको मेरी तरफ से डीजे साहब। आपकी मेहनत, लगन और बिजनेस की समझदारी को मैं आज मान गया। आई नो मिस्टर बेग, आप चाहते थे कि मैं इस प्रोजेक्ट को लीड करूं, बट लास्ट मीटिंग में ऐसा कुछ हुआ, आई डोंट नो द डिटेल्स एंड ऑनेस्टली मुझे वो डिटेल्स जानने भी नहीं है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने उस मीटिंग के बेसिस पर ना दिग्विजय को लेकर एक ऑलरेडी ओपिनियन बना लिया है, विच इज़ कि दिग्विजय इज़ नॉट केपेबल एंड ऑनेस्टली वो सही नहीं है। एंड आई फील ऐसे बिजनेस डील्स में ना एक प्री अजम्पशन लेकर चलना 100% सही नहीं है। एंड ऑनेस्टली दिग्विजय का विजन और उसकी सोच काफ़ी अच्छी है और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप दिग्विजय को एक फेयर चांस दें। यू नो, ये बायसनेस को तोड़ने के लिए दिग्विजय और मैंने ये डिसाइड किया है कि हम एक दूसरे की प्रेजेंटेशन आपको प्रेजेंट करेंगे, यू नो, सो दैट यू कैन सी हाउ केपेबल दिग्विजय इज। एंड आई फील आपको दिग्विजय को वो एक चांस उसकी मेहनत को देख कर देना चाहिए। दैट्स इट, मुझे बस आपसे इतना ही कहना था। इसमें चौंकने वाली कोई बात नहीं है डीजे साहब। मिस मुल्तानी ने मुझे पहले ही बता दिया था कि आप दोनों एक दूसरे की प्रेजेंटेशन मेरे सामने पेश करेंगे ताकि मैं एक फेयर डिसीजन ले सकूं। ग्रीन एनर्जी और उससे जुड़ी वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल कैंपेन्स चल रहे हैं। उन इंटरनेशनल नॉर्म्स को अपनी प्रेजेंटेशन में शामिल करके आपने ये साबित कर दिया कि आपकी सोच कितनी फ्यूचरिस्टिक है। मैं बहुत इंप्रेस्ड हूँ डीजे साहब। और मिस मुल्तानी ने तुम्हारी प्रेजेंटेशन पिच करके ये दिखा दिया कि जिस तरह प्रोजेक्ट की बेटरमेंट के लिए आप दोनों सेल्फलेस होकर साथ में काम कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। ऑल द बेस्ट टू बोथ ऑफ यू। वेल डन मिस मुल्तानी, वेल डन दिग्विजय, तुम दोनों पर मुझे बहुत नाज है। भानु प्रताप जी, मैं आपकी इजाजत चाहता हूं, फिर जल्द मिलेंगे इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए। आइए वीर साहब, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूं। डीजे, ये क्या खेल खेल रही है? ऐसा क्यों फील हो रहा है कि हम जीत कर भी हार गए हैं? अब बारी है मुझे मेरा अगला दांव खेलने की। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।